प्रदेश में गर्मी अपने चरम सीमा पर है। गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। कई जगहों पर छात्र और छात्राएं बेहोश भी हुई तो कई जगहों पर भीषण गर्मी से मौत भी हुई है। लेकिन इस भीषण गर्मी में बिजली विभाग पूरी तरह से लापरवाह हो गया है और कान में उंगली डालकर सो गया है। लोग गर्मी से परेशान होते रहे लेकिन बिजली विभाग लापरवाही करने में पीछे नहीं हटता है। सिवान शहर में कई मोहल्लों में बिजली विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है कि इस भीषण गर्मी में जब चाहे बिजली काट ले रहे हैं और जब चाहे बिजली दे रहे हैं। लापरवाह अधिकारी फोन तक नहीं उठाते। कई बार बिजली विभाग के अधिकारी को फोन मैसेज करने के बाद भी उनके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता है। सिवान शहर में पंच मदिरा मोहल्ले शेखर सिनेमा के समीप सुबह के 8 बजे से ही बिजली गुल है। बिजली गुल रहने से भीषण गर्मी में लोग परेशान हो गए हैं। ये सिवान सदर अस्पताल का हाल देखिए, किस तरह से लोग यहाँ परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग के कर्मी एक तो फोन नहीं उठाते हैं, करीब दर्जनों बार फोन करने के बाद कोई फोन उठाता भी है तो सिर्फ इतना कहकर काट देता है कि ठीक है, सही करा दिया जाता है। और अभी तक लगभग 20 बार से अधिक बार शिकायत करने के बावजूद भी उसे ठीक नहीं किया गया। इधर कल बुधवार को पिछले एक दशक में सबसे अधिक गर्मी पड़ी थी। रात भर मौसम में उमस बनी रही। वहीं आज गुरुवार को भी सुबह से ही तेज धूप निकली है और पारा चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। इसमें छोटे बच्चों सहित बड़े बुजुर्ग भी काफी परेशान हैं, लेकिन बिजली विभाग के द्वारा उसे सही नहीं कराया जा रहा है। इधर इस संबंध में जब बिजली विभाग के कर्मियों और अधिकारियों को फोन किया गया तो किसी के द्वारा फोन नहीं उठाया गया। वहीं एक कर्मी ने फोन उठाया भी तो बिना कुछ बताए ही फोन काट दिया। ज्ञात हो कि आए दिन शहर में किसी न किसी मोहल्ले में बिजली कटी रहती है, जिसके कारण इस उमस भरी गर्मी में लोग काफी परेशान होते हैं। वहीं पंच मंदिरा के लोगों ने बताया कि घर के टंकी का पानी भी समाप्त हो गया है, साथ ही बिजली से होने वाले काम भी पूरी तरीके से बाधित है। कब से लाइट कटा हुआ इधर पचमंदिरा में? कल सुबह 8 बजे से लाइट खराब है और हम लोग त्राईमाम हुए हैं गर्मी से। पानी की एक बूंद घर में नहीं रह गया है। टैंकी में जो पानी बचा हुआ था वो भी धूप से इतना गर्म हो गया है। कई बार कंप्लेन किया गया बिजली विभाग को लेकिन कोई संज्ञान नहीं ले रहा। कल रात को भी हम लोग कई बार फोन किए, एक तो फोन उठाते नहीं है जल्दी, वो लोग उठाते भी हैं तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, हो रहा है, लेकिन अभी तक तो कोई संज्ञान नहीं लिया गया। कितना देर हो गया? 24 घंटे से ऊपर हो चुका है। 24 घंटे से ऊपर हो गया। कौन सा मोहल्ला है ये? पचमंदिरा है, पोखरा के पास में, राजेंद्र स्टेडियम के बगल में। देखिए कि इस गर्मी में हम लोग तो कैसे भी अपने आप को झेल ले रहे हैं, लेकिन बच्चे एकदम बहुत बुरा हाल है बच्चों का। रात भर सो नहीं पाए हैं बच्चे, गर्मी से एकदम बेहाल हुए हैं, निढाल हो चुके हैं।